नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस एक मून मिशन आज पूरा होने वाला है। रविवार को 11:10 पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। इसकी लैंडिंग मेक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में होगी। नासा में 25 दिन पहले 15 नवंबर को यह मिशन तीसरी कोशिश में लॉन्च किया गया था। वहीं नासा का कहना है कि पृथ्वी में ओरियन की एंट्री खास होने वाली है। यह पहली बार स्किप एंट्री तकनीक अपनाकर धरती पर लैंड करेगा। इस प्रोसेस से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ओरियन पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एंट्री करेगा। इसके बाद वह अपने अंदर मौजूद कैप्सूल की मदद से वायुमंडल के बाहर जाएगा। आखिर में पैरासूट के जरिए दोबारा वायुमंडल के अंदर आ जाएगा। स्किप एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल आग में झुलस जाएगा तो वहीं क्रू मॉड्यूल अपनी तय जगह पर पैरासूट के सहारे गिर जाएगा। वायुमंडल में दोबारा की गई एंट्री में उसकी गति काफी धीमी हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, आर्टेमिस 1 मिशन एक टेस्ट फ्लाइट है और नासा आर्टेमिस 2 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में धरती पर ओरियन की लैंडिंग पर वैज्ञानिकों की पैनी नजर है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।